बाहुबली पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान से मचा ऐसा बवाल कि हर कोई देखता रह गया। बेटे करणभूषण सिंह के नाम का जिक्र होते ही आंखों से निकले आंसू, फिर मंच पर जमकर मारी दहाड़। यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व सांसद ब्रजभूषण ने भरी ऐसी हुंकार कि विरोधियों के छूटे पसीने। बजरंग पूनिया, दीपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट पर जमकर किया जुबानी वॉर, फिर से चर्चाओं में पूर्व सांसद। पुष्पा स्टाइल में फायर करते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण ने बोला, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। क्या बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट का पूर्व सांसद के ऊपर लगा आरोप कांग्रेस के द्वारा था प्रायोजित? जी, आंखों में आंसू और मन में बीते तीन दशकों की राजनीति में अपने दबदबे को याद करते हुए वो फायर ब्रांड नेता जब भावुक होता है तो आसपास बैठे लोग भी अपने चहेते नेता को देख भावुक हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये तीन दशकों तक लगातार जीत हासिल करना किसी ऐरे गहरे की बस की बात नहीं होती है। तभी तो मंच से दहाड़ते हुए इस नेता ने उन पर लगाए गए आरोपों को दरकिनार करते हुए फिर से उन सभी पर ऐसा करारा प्रहार किया है जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। मंच से शेर की तरह दहाड़ते हुए इन्होंने ऐसी दहाड़ लगाई कि दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ले चुके विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी कांपने लगे। बताते चले कि अवध की राजनीति का राजा कहलाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। बात चाहे उनकी 12 साल के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद की हो, या फिर एथलीट द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप, या फिर अपनी राजनीति से संन्यास लेकर अपने बेटे को टिकट दिलवाना। यहाँ तक कि ब्रजभूषण यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी पंगा लेने से नहीं चुके। लेकिन अब ब्रजभूषण ने राजनीति से संन्यास लेते हुए समाज सेवक के रूप में खुद को ढाल लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शिकार करना वो कभी नहीं भूलता। ऐसे में ब्रजभूषण ने भले ही राजनीति से संन्यास ले लिया हो, लेकिन मंच पर उनकी आवाज में जो गरज है वो आज भी दिखाई देती है। तभी तो अपने बेटे को टिकट दिलाने से लेकर उनका प्रचार प्रसार करना और प्रचंड जीत के साथ बेटे को सांसद बनाने तक में उनकी बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि बीते तीन दशकों से जिन दो लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपनी राजनीति से जो कुछ भी कमाया वो बेटे के काम आया। ऐसे में एक बार फिर से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने एक बयान से चर्चा में हैं। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन पर यौन शोषण का आरोप दर्ज कराने वाले पीड़ित एथलीट हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो चलिए अब आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हाल ही में कैसरगंज लोकसभा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा जिले के महाराजा देवी बख्श सिंह स्मारक संस्थान में छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचते हैं, जहां एमएलसी अवधेश सिंह मंच से भाषण देने की शुरुआत करते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह सोफे पर बैठे रहते हैं। जैसे ब्रजभूषण के बेटे करणभूषण सिंह के जीत की चर्चा होती है, वैसे ब्रजभूषण मंच पर भावुक हो जाते हैं। दरअसल बेटे की जीत की कहानी और अपने संघर्षों की बात उन्हें भावुक कर देती है। लेकिन जब बारी आती है ब्रजभूषण शरण सिंह के मंच पर बयान देने की, तो अपने बयान की शुरुआत एक चौपाई से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुनाते हैं। हमने कहा सोना भरत भाभी प्रबल बिलक बहु गुरु नाथ और हर निराल भजिए मन मरण जस जस दिया। जो चीजें अपने वक्त में नहीं थी, लेकिन सन 1996 में एक प्रयत्न हुआ था तो गेत की देवी शांत हो गई। सन 1996 में एक प्रयत्न हुआ था, मैं तिहार जेल गया तो हमारी पत्नी सांसद बनी और आप लोगों ने ही बनाया था, किसी क्षेत्र की जनता ने बनाया। 2023 में जब खंडन हुआ तो करणभूषण के सांसद बन गए। तो आपने सुना कि ब्रजभूषण ने चेहरे पर स्माइल और गरज के साथ वो कहानी बताई जब वो अपने राजनीति के शुरुआती दौर में थे और साल 1996 में उन पर जब पहली बार आरोप लगा तो वो बिहार में थे। और फिर बताते हैं कि उस दौरान उनकी पत्नी पहली बार सांसद बनी थी, यानी कि ब्रजभूषण का कहना यही था कि जब वो पहली बार आरोपी थे तब भी वो सीट मेरे ही परिवार में थी और जब दूसरी बार ऐसा आरोप लगा तब भी वो सीट उनके ही परिवार में रही और इस बार उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके बेटे ने जीत हासिल की। फिर मैंने इनको बताया इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं। सन 1991 से लगातार दिल्ली आ रहा हूं जा रहा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, पायलट भी सेल्फी लेता है,
साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई हो। अगर तो नाम होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। तुम्हारे भैया को निगेटिव दिखाई पड़ रहा है, आपको निगेटिव इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पार्टी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा ना बोलो, तो मीडिया वाले आते ना हरियाणा पहुंच जाए, इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले। हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये खरियंत कांग्रेस का है, ये खरियंत दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खरियंत भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था आज देश बोलना है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना है। तो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरे बयान को सुना जिसमें उन्होंने कहा अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। 1991 से दिल्ली आता जाता रहा हूं, लेकिन कभी कोई मेरे साथ सेल्फी नहीं लेता था, लेकिन इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती हैं, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं, हर कोई सेल्फी लेता है। यही नहीं, ब्रजभूषण ने सामने बैठे मीडिया कर्मियों से भी हंसते हुए इस वीडियो में कहा है कि आपको अच्छी बातें कभी दिखाई नहीं देती और जब भी कुछ मैं हटके करता हूं या उल्टा करता हूं तो वो सुर्खियां बन जाती हैं और मीडिया में छा जाती हैं। पूर्व सांसद ने दीपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट के साथ बजरंग पुनिया को भी घेरा और ये बयान ऐसे समय में आया है जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की खबरें जोरों पर हैं। बताते चले कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भारतीय कुश्ती टीम के नामी खिलाड़ी हैं और हाल ही में हुए ओलंपिक में विनेश फोगाट फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों पर कांग्रेस के इशारे पर चलने का एक बड़ा आरोप लगता रहता है। और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी इन दोनों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित था, जिसको लेकर ब्रजभूषण ने यह भी कहा है कि हरियाणा की कांग्रेस बेल्ट उनके खिलाफ जानबूझकर ये केस दर्ज करवा रही है और मुझे झूठा फंसाने की तैयारी कर रही है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगा आरोप अभी कोर्ट के अधीन है और कौन सही है या कौन गलत ये आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान एक बार फिर से विरोधियों और दुश्मनों को पराजित करने के लिए काफी है और फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।